नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से हम कितना लोड चला सकते हैं और कितनी देर तक चला सकते हैं। क्या 1 किलोवाट के सोलर पैनल से मैं घर के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला सकता हूं? क्या उस सोलर पैनल से घर का AC और फ्रिज भी चल पाएगा? आपके मन में भी इस तरह के बहुत से सवाल आ रहे होंगे। आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आप कितना लोड चला सकते हैं और कितनी देर तक चला सकते हैं? वैसे तो आप 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कितना भी लोड चला सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सोलर पैनल से कोई भी लोड नहीं चलाते, क्योंकि मैक्सिमम सोलर पैनल्स DC जनरेट करते हैं। नॉर्मली सोलर पैनल से आने वाली वायर को हम डायरेक्ट किसी भी अप्लायंसेस में नहीं लगाते, लेकिन आप DC अप्लायंसेस को डायरेक्ट सोलर पैनल से चला सकते हैं, लेकिन वो तभी तक चलेंगे जब तक धूप सोलर पैनल्स पर आती रहेगी। आप अपने घर के पंखे, लाइट, TV, फ्रिज इत्यादि उपकरण चला सकते हैं या नहीं, ये केवल सोलर इन्वर्टर पर डिपेंड करता है। अगर सोलर इन्वर्टर बड़ी कैपेसिटी का है तो आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल से ये सभी उपकरण आसानी से चला सकेंगे, चाहे फिर वो AC हो या फ्रिज हो। इस बात को आप एक एग्जांपल से आसानी से समझ सकेंगे। आपके घर में एक पानी के टैंक को भरने के लिए आप मोटर चला देते हैं और पानी टैंक में भरना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर उसी टैंक से पानी निकालने भी लगें और पानी निकालने की स्पीड पानी भरने की स्पीड से ज़्यादा होगी, तो जब टैंक में पहले से पानी था वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो पुराना पानी था और जो नया पानी भरा जा रहा है, वह सारा पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर पानी निकलने की स्पीड कम है तो टैंक जल्दी भर जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से हम पानी इस्तेमाल भी कर सकेंगे, और इस्तेमाल करने के साथ साथ टैंक भी टाइम से भरता रहेगा। सेम इसी तरह से सोलर सिस्टम भी काम करता है। इस केस में सारा इलेक्ट्रिक लोड सोलर इन्वर्टर पर रहता है। अगर आप इन्वर्टर पर लोड बढ़ा देते हैं तो जो एक्स्ट्रा बिजली चाहिए होती है इन्वर्टर वो बैटरी से ले लेता है या मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से ले लेगा, यानी कि पूरा लोड सोलर पैनल पर नहीं आएगा। आपका जो सोलर पैनल है वो लगातार बिजली बनाकर आपके इन्वर्टर को देता रहेगा जब तक सोलर पैनल पर धूप पड़ती रहेगी। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कंप्लीट सनलाइट पड़ने पर 4 से 5 यूनिट बिजली बनाकर देता है। अब आप दिन में अपने सोलर सिस्टम पर घर के कुछ भी उपकरण चलाइए, अगर खपत 4 से 5 यूनिट की होगी तो आपका सोलर पैनल उस आपूर्ति को पूरा कर देगा। मान लीजिए आपके घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और जो सोलर इन्वर्टर है वो 2 या 3 किलोवाट का है। आप उस पर 1 टन का AC चला रहे हैं, तो हमें मान लेते हैं कि वो AC 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो दिन भर में अगर आप 3 से 4 घंटे उस AC को चलाते हैं तो 3 से 4 यूनिट AC कंज्यूम कर लेगा और घर के अन्य उपकरण भी 1 यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि टोटल 4 से 5 यूनिट आपने कंज्यूम कर ली है और आपका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में उतनी यूनिट बनाकर आपको दे देगा, यानी कि बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा या यूँ कहें 0 हो जाएगा। अगर आप 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं तो उस पर AC चलाने से या कोई भी अप्लायंस चलाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारा लोड मेन सप्लाई से मेंटेन होगा। और अगर सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई आपके घर के लोड से ज़्यादा होती है तो बाकी की सप्लाई मेन ग्रिड में चली जाती है, और यदि सोलर की सप्लाई घर के लोड से कम है तो बाकी की सप्लाई मेन ग्रिड से यूज़ हो जाती है। इस केस में बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि लोड ज़्यादा होने पर मेन ग्रिड प्लस सोलर सप्लाई दोनों यूज़ होंगी। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि 1 किलोवाट सोलर पैनल दिन में 4 से 5 यूनिट ही बनाकर देता है, तो इसीलिए आपको अपने घर का पावर कंजप्शन 4 से 5 यूनिट तक ही रखना होगा, वरना कंजप्शन बढ़ने पर बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल से घर का कितना लोड चला सकते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो ये सोलर सिस्टम है ये उस पर कभी डिपेंड नहीं करता कि आप कितना और क्या लोड चला सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके सोलर इन्वर्टर के ऊपर। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपका सोलर इन्वर्टर और बैटरी कितने वॉट या KVA के हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना लोड चला सकते हैं और कितनी देर तक चला सकते हैं। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ये डिपेंड करेगा सोलर इन्वर्टर के वॉट यानी कि उसकी KVA पर। ज़्यादा बिजली बनाने पर एक्स्ट्रा पावर ग्रिड को चली जाएगी और कम बिजली बनेगी तो ग्रिड से एक्स्ट्रा सप्लाई यूज़ कर ली जाएगी। और एक बात, यदि आप AC मॉड्यूल सोलर पैनल यूज़ करेंगे तो उसमें अलग से इन्वर्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उन पैनल से जितना चाहे उतना लोड चला सकते हैं,
क्योंकि एसी मॉड्यूल आपको डायरेक्ट एसी बनाकर देते हैं, जिसको आप अपने डायरेक्ट घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्लूम सोलर के एसी मॉड्यूल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।